हेलो नमस्ते, मैं हूँ कविता और स्वागत है आपका डॉट्स एंड मॉम्स में। आज हम बना रहे हैं कद्दू का प्यूरी। कद्दू में मैग्नीशियम और फास्फोरस बहुत ज़्यादा रहता है जो बढ़ते बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है, और हम बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूड करते हैं उनके डाइट में, पर ये दो जो स्पेशल न्यूट्रिएंट्स है वो सिर्फ कद्दू में ही मिलता है। तो क्विकली चलिए देखते हैं इसे कैसे बना के बच्चे को दिया जाए। सबसे पहले मैं कद्दू ले रही हूँ। ये छोटा सा पीस है एक कद्दू का। आपको ये ध्यान में रखना है कि इसे फ्रेश होना चाहिए और डीप येलो कलर रहेगा तो स्वीट और हेल्दी रहेगा बच्चों के लिए। तो इसे छोटा सा ऐसे काट के मैं एक प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ अभी। आप चाहे तो एक बाउल में थोड़ा सा पानी डाल के भी पका सकते हैं ऐसे ही, पर प्रेशर कुकर में थोड़ा जल्दी कुक हो जाता है इसीलिए मैंने ये मेथड यूज़ किया है। स्टीमिंग मेथड भी फॉलो कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, माइक्रोवेव कर सकते हैं आप। कुछ डाउट्स है उसके बारे में तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं क्लैरिफाई कर दूँगी। और जब 2 से 3 विजल तक ये पक जाएगा तो आपको दिख रहा है कि ये कितना सॉफ्ट हो चुका है। तो इसे मैं ये वंडरशेफ ब्लेंडर जार में डाल रही हूँ। अगर आपको ये ब्लेंडर जार चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ मैं, वहाँ पर चेक कर सकते हैं आप। ये बहुत ही कन्वीनियंट है बेबी के फूड बनाने के लिए। प्यूरी ऐसे छोटे मोटे जब ब्लेंडर में या मिक्सर में डालने पड़ते हैं ना, तो ये इजी है और इसे वॉश भी अच्छी तरह से कर सकते हैं आसानी से। तो हम इसका सॉफ्ट प्यूरी बना लेते हैं। आप चाहे तो इसके साथ कैरेट या आलू भी डाल सकते हैं ज़्यादा न्यूट्रिशन के लिए, और टेस्ट भी बढ़ाता है। छोटे बच्चे के लिए सॉल्ट शुगर की आवश्यकता नहीं होती है। तो नेचुरली हमने इसे दालचीनी का पाउडर डाल के फ्लेवर किया है, तो ये सर्व करने के लिए तैयार है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। बहुत आसानी से आप घर में प्यूरी बना के दे सकते हैं। आपको पैक्ड प्यूरी लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत झटपट भी बन जाता है। और अगर आप इसे बना के स्टोर करना चाहते हैं ना, तो आइस ट्रे में अगर बहुत ज़्यादा बच गया तो एक आइस ट्रे ले लीजिएगा, उसमें पोर कर दीजिएगा इन्हें प्यूरी को, और फ्रीज करने के लिए रख दीजिएगा। 3-4 घंटे के बाद जब वो फ्रीज हो जाएगा, आप इसे इस क्यूब्स को निकाल के एक जिपलॉक कवर में डाल के स्टोर कर सकते हैं। जब भी अगली बार आपके बच्चे को भूख लग रही है तो 5-10 मिनट पहले निकाल के रख के थॉ करके बच्चे को सर्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टिप। हमारे चैनल में बहुत सारे प्यूरी और पॉरेजेस के रेसिपीज हैं, चेक करना मत भूलिएगा। फिर से मिलते हैं अच्छे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार और बाय बाय।